भारतीय टीम में एक वक्त नवयुग आदमी के नाम से पहचान बना चुके दिग्गज भारतीय खिलाड़ी दिलीप सरदेसाई का आज 78वां जन्मदिन है। भले ही वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि उनके फैंस के साथ साथ गूगल ने भी आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में डूडल समर्पित किया है। बता दें, दिलीप सरदेसाई को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भारत का ऑल टाइम बेस्ट माना जाता है। सरदेसाई ने अपने क्रिकेट की शुरुआत साल 1959-60 में यूनिवर्सिटीज के बीच होने वाली रोहिंटन बारिया ट्रॉफी से की थी, जिसमें उन्होंने 87 की औसत से कुल 435 रन बनाए थे। सरदेसाई को विदेश में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ 1961 में हुई थी। भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए 30 टेस्ट मैच खेले हैं। अपने टेस्ट करियर में सरदेसाई ने 5 शतकों और 9 अर्धशतकों की मदद से कुल 2001 रन बनाए हैं। टेस्ट मैचों में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 212 रन रहा। उनके नाम दो दोहरे शतक है। माना जाता है कि उनकी शानदार पारियों की बदौलत भारतीय क्रिकेट ने 1971 में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अगर बात दिलीप सरदेसाई के प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड की करें, तो उन्होंने 169 फर्स्ट क्लास मैचों में 25 शतक और 56 अर्धशतक की मदद से 10,230 रन बनाए हैं। 8 अगस्त 1940 को गोवा में जन्मे सरदेसाई ने 2 जुलाई 2007 को मुंबई में अंतिम सांस ली।